आगामी त्रिस्तरीय पंचायत व विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक पेंच कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गोपालपुर स्थित मैदान में चिरेगांव ब्लॉक कमेटी की घोषणा के साथ साथ शिवपुर विधानसभा के 40 सेक्टरों के अध्यक्षों व बूथ प्रभारियों को वरिष्ठ सपा नेता अजय मौर्य बबलू द्वारा समाजवादी साफा झंडा व पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा चिरेगांव ब्लॉक नवनियुक्त कमेटी की घोषणा ब्लॉक अध्यक्ष प्यारे लाल यादव व जिला महासचिव आनंद मौर्य ने संयुक्त रूप से करते हुए सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तो ये जो आज सम्मान समारोह रखा गया है कि इसका कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए रखा गया है और समाजवादी पार्टी के ब्लॉक कमेटी की घोषणा की गई है, पदाधिकारी बनाए गए हैं जो अभी पदाधिकारियों के बल पर समाजवादी पार्टी ने बनारस जनपद में ऐतिहासिक जीत कारनामा दिखाया। जैसे MLC स्नातक चुनाव हो, शिक्षक स्नातक चुनाव हो, शिक्षक वर्ग के लोगों को कार्यकर्ताओं ने घर घर घूम कर और पार्टी के प्रति जागृत किया और समाजवादी पार्टी जीती। ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। अब किस किस पदों के लिए आज नियुक्त किया गया? पदाधिकारी बनेगा अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, फिर महासचिव, उसके बाद कोषाध्यक्ष, उसके बाद सचिव, फिर कार्यकारिणी, कुल 36 सदस्य बनाए गए। जी आज ये सम्मान समारोह रखा गया था, किसका उद्देश्य क्या है? ये सम्मान समारोह रखा है सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारियों का। ये किसी भी कभी भी चुनाव आता है यही लोग झंडा उठाते हैं, वोट निकालते हैं, सारा मोर्चा यही लोग संभालते हैं, लेकिन इनको सम्मान नहीं मिलता है। तो उसी उपलक्ष्य में ये हुआ कि भाई इनको सम्मान दिया जाए और इनको सम्मान देना जरूरी भी रहा। कार्यक्रम के ये जो आयोजक है सभी सम्मानित सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी एवं सेक्टर प्रवेशकों का सम्मानित सम्मान करने के लिए समारोह रखा गया है। कितने लोगों को सम्मान और पद दिया गया है? हमारे जो शिवपुर विधानसभा के सम्मानित सेक्टर प्रभारी, इसमें 40 सेक्टर हैं, उनके सभी सेक्टर प्रभारी और उनके बूथ प्रभारी सबको बुलाकर यहाँ सम्मानित किया गया है। क्या अध्यक्ष बनाया गया किसी को? हाँ, अध्यक्ष सब ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष, ब्लॉक सचिव, सब कुछ बनाया गया लोगों को आज। और इसके अलावा और जैसे यहाँ पे आपकी जो समाजवादी पार्टी के थे तो महिला मोर्चा से भी लोग आए थे कि सिर्फ ये? नहीं, महिला मोर्चा से भी लोग को बुलाया गया था क्योंकि ये पूरे समाजवादी कार्यकर्ताओं को सम्मान था, इसलिए महिला मोर्चा के लोगों को भी बुलाया गया था। तो आपके यहाँ एक आशुतोष सिन्हा जी आने वाले थे साहब, तो वो आए नहीं? वो आज क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्तम कार्यक्रम है, अचानक उनको मिर्जापुर प्रभारी बनाकर भेज दिया गया।